स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल मेडिकल ज्ञान विद विपुल में। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फार्मासिस्ट विपुल त्यागी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आपने सल्फास का नाम तो सुना ही होगा। जी हां, अनाज संरक्षण के लिए कीटनाशक के तौर पर प्रयोग करने वाला जो सल्फास है वो मौत का पर्याय बन गया है। कोई गलती से भी इसे निगल जाए तो मौत निश्चित है। आत्महत्या के बहुत से मामलों में पाया जाता था कि मरने वाले ने सल्फास खाया था। अब भी कई मामलों में सामने आता है, लेकिन अब सल्फास खाने से जान नहीं जाएगी। 1 जनवरी 2018 से यह नए रूप में बाजार में उपलब्ध है। सल्फास के असर में भी बदलाव आया है। इससे अनाज के कीट तो मरेंगे, लेकिन आदमी की जान नहीं जाएगी। कोई भी इंसान सल्फास खाने से नहीं मरेगा। लगातार होने वाली मौतों के चलते स्वास्थ्य विभाग की सिफारिश पर कृषि उर्वरक व रसायन मंत्रालय ने इसको सुरक्षित बना दिया है। सल्फास अनाज को कीटों से बचाने के लिए भंडारण में प्रयोग होने वाला कीटनाशक है। इसकी तीव्रता, इसकी जो तेजी है वो इतनी ज्यादा थी कि खाने के कुछ देर बाद ही व्यक्ति की मौत हो जाती थी। पेट में पहुंचने पर किसी का जीवन बचाना लगभग असंभव था। ऐसे में आत्महत्या के लिए इसका धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा था। लाइसेंस की जो प्रक्रिया है उसे जटिल करने के बावजूद, बच्चों महिलाओं को न देने के आदेश के बावजूद आत्महत्या के मामलों में ज्यादा कमी नहीं आई थी। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने इस घातक रसायन को सुरक्षित करने की सिफारिश की थी। 5 साल पहले इसकी टैबलेट को बड़ा बनाया गया जिससे इसे निगलना संभव ना हो सके। उसके बाद पैकिंग को ऐसा बनाया गया जिससे अकेला व्यक्ति इसे ना खोल पाए। इसके बावजूद सल्फास से होने वाली मौतें जारी रही। कृषि उर्वरक एवं रसायन जो मंत्रालय है उनके निर्देश पर अब सल्फास नए रूप में बाजार में आया है। इसकी टैबलेट पैकिंग बंद कर दी गई है। अब ये पाउच में दानेदार बनाया गया है। इसकी तीव्रता कम कर दी गई है। डिप्टी डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन लाइसेंस अथॉरिटी सीएल यादव ने बताया कि पाउच खोलते ही इसका रसायन हवा में घुलने लगेगा। पानी के संपर्क में आने से यह निष्क्रिय होना शुरू हो जाएगा। ऐसे में किसी के खा लेने पर असर काफी कम होगा। और इसमें उल्टी कराने वाला रसायन भी मिलाया गया है जिससे खाने वाले को तत्काल उल्टियां शुरू हो जाएंगी। इससे व्यक्ति को पेट में दर्द होगा और बेचैनी होगी, लेकिन मौत नहीं होगी। टैबलेट आंतों में पड़ी पड़ी धीरे घुलती थी। इसे निकालना आसान नहीं था, जबकि दानेदार होने के चलते यह उल्टी के साथ वापस आ जाएगा। इससे आंतों में घाव तो होगा, लेकिन वो फटेगी नहीं। नया सल्फास कीटों को मारेगा, लेकिन लोगों के लिए जानलेवा नहीं होगा। जो नई सल्फास आई है इसके पैकेट पे इस पे लिखा हुआ है कि इसके असर को खत्म करने की जो विधि है वो साफ साफ लिखी है। पोटेशियम परमैंगनेट के घोल के साथ पेट की धुलाई करने पर इसका असर खत्म हो जाएगा। फिलहाल अभी भी इसके पाउच पर जहर लिखकर आम लोगों को चेताया गया है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए। अभी इस चैनल मेडिकल ज्ञान विद विपुल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाला आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।